यकीनन हमने आपके लिए खुली फतह अता की है ताकि अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं और अल्लाह तबारक व तआला बड़े गलबे वाले हैं और हिकमत वाले हैं। बेशक हमने आपको गवाही देने वाला, बशारत देने वाला और डराने वाला बना देंगे। उम्मत मुस्लिमा के एक फर्द होने के नाते हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कायनात की हर चीज़ पर मुकद्दम रखे। अभी हाल ही में इस्लाम मुखालिफ फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम के नाम पे एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो फिल्म बनाई गई है वो दरअसल इस्लाम के खिलाफ सदियों से जारी साजिश का एक हिस्सा है और इस साजिश का मकसद ये है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए। लेकिन चूँकि इस्लाम की तालीमात 100% दीन फितरत पर मबनी है, लिहाजा तारीख की रोशनी में रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब भी दीन फितरत के दुश्मनों ने अपनी मज़मूम हरकतों और नापाक साजिशों के जरिए इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश की है, इस्लाम इस कदर आबोताब के साथ तरक्की की राह पर गामिलन होता रहा है। याद रहे कि अंग्रेजी फिल्म दी डिवाइन कोर्ट पर मसीह रिवायत को मजहब करने के खिलाफ पूरे यूरोप में हंगामा बर्पा किया गया था और इसकी हिमायत पर पाबंदी आयद की गई थी, इसलिए कि इसकी जिम्मेदारी इस कायनात के परवरदिगार ने खुद अपने जिम्मे लिया है। गंगा जमनी तहजीब का हमारा प्यारा हिंदुस्तान दरअसल मुख्तलिफ तहजीबों का मुल्क है और हर मजहब का इतना का जो सबूत पेश किया है इस पर हम तमाम मुसलमानों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए एक गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत दुनिया की एक बड़ी ताकत होने के नाते अपना मुकम्मल असर रसूख इस्तेमाल करें। कार्यक्रम उद्देश्य प्रस्तुतपड़े ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಂದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಗಾದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಮಾಟಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಜಾದುಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅದು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ಲಭಿಸಿರುವಂತಹ ನಂತರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರವಾದಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದಲೇ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯುದ್ಧಾಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ತಪ್ಪಿಗೊಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಕ್ಷಮಾದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ವರ್ತನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದು ದೈವಿಕ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೈವಿಕ ವಚನಗಳ ಸಮಾಹಾರ. ಆ ದೈವಿಕ ವಚನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭೇದ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದೈವಿಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜೀವನ. ನಿಮಗೆ ಛಾಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಡಬಾರದು, ಅಸಹ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತಹ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಉಸ್ಕಾ ಹಕ್ ಹೈ, ಉಸ್ ಹಕ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಕಮಿ ಯೆ ಸಬ್ ಚೀಜೇನ್ ಆಹಿಸ್ತಾ ಆಹಿಸ್ತಾ ವಕ್ತನ್ ಫೋಕ್ತನ್ ಸಾಮನೆ ಲಾ ರಹಿ ಹೈ. ನಂಬರ್ ದೋ, ಹಮ್ ಔರ್ ಆಪ್ ನೆ ಇತನಿ ಬಡಿ ಕೋತಾಹಿ ಕಿ ಹೈ
दीन हक को दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी हर एक फर्द पर रखी गई है, उस हक को अदा करने की कोताही और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत को दुनिया के रूबरू पेश करने की जो सआदत हर इंसान पर वाजिब थी, और आपकी तालीमात को दुनिया इंसानियत के सामने लाकर दिखानी सबके ऊपर ज़रूरी थी, इस हक का भी सही तौर पर अदायगी का न होना ये दर हकीकत असबाब हैं इसी तरह के मुख्तलिफ वाकयात रूबरू होने के लिए। इतनी सराहत के साथ ये जो जुमला फरमाया है इन्नल्लाहु व मलाइकतहू, अल्लाह ने इसमें आप देखें इस आयत शरीफा में दो दो मरतबा अपना नाम लिया है, अल्लाह बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, ये भी मुमकिन था वल मलाइका कह सकता था लेकिन नहीं, व मलाइकतहू उसके फरिश्ते अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, युसल्लून अलन नबी बराबर रहमत नाजिल करता है, अल्लाह रहमत नाजिल करता है और मलाइका रहमतों के लिए अल्लाह से दरख्वास्त करते रहते हैं। नाम की तौहीद और उनके लिए किसी तरह की कोई सब शक और कोई गाली और कोई इस तरह की तौहीद आमेज चीजें ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं होती है, और जहां ऐसी चीजें सामने आती हैं फिर अब ताला का कुदरती और गैबी फैसला सामने आता है। कुरान मजीद शाहिद है, सीरत की किताबें शाहिद हैं, गवाह हैं, जब जब भी ऐसे लोग आए वो मिट गए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इजाफा होता गया। चनांचे आपने कुरान मजीद की आयत 12 पढ़ी है, वरफअना लक ज़िक्रा, हमने आपके जिक्र को आपके तस्किरे को बहुत ऊंचा किया, कहने वालों ने यहां तक कहा था उस जमाने में भी कि आपका तस्किरा मिट गया, आपकी नरीना औलाद नहीं है, लिहाजा क़यामत तक फिर आपका नाम रोशन नहीं रहेगा। हजारों लोग हैं इनके मानने वाले, हम इससे बहस नहीं करते हैं कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन एक बात समझने की, हजारों लाखों लोग हैं आज तक उनके कब्रों पर जाकर उनका एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए जितने उनसे पेशरव और उनके बाद के जितने भी लोग बड़े बड़े अल्लाह वाले और दुनिया के नामवर लोग पैदा हुए सब किसकी गुलामी करते हैं, मुझे ये बताइए। ख्वाजा अजमेरी हो, हजरत निजामुद्दीन औलिया हो या शेख अब्दुल कादिर जीलानी हो, दुनिया का एक लाखों लोग उनके लिए अपनी गुलामी को फख्र का बाइस समझते हैं, लेकिन वो सब के सब बुजुर्ग किसकी गुलामी करते हैं, वो सब के सब बुजुर्ग एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में अपनी इज्जत समझते हैं, इसके क्या माने। एक एक फर्द इस उम्मत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर ऐसा है कि दुनिया इंसानियत के अंदर आपको ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। बस लोगों, हम सबसे पहले की उम्मती होने का शर्त भी अता फरमाए, हमारे नबी की ज़ात बाबरकत न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि क़यामत तक आने वाली पूरी नस्ल इंसानी हुई तमाम कायनात के लिए सराफा रहमत बनकर नमदार हुई थी। आप ही की ज़ात ग्रामी सरासर तारीख के वो मुनफरिद और लासानी शख्सियत हैं जिनकी गवाही न सिर्फ तारीख इस्लाम के नामवर मुस्लिम मौरखीन ने दी है बल्कि तारीख के मतलब विच हैज कास्ट एस्पर्शंस ऑन द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ अवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम। वी आर प्राउड टू बी द सिटीजंस ऑफ दिस ग्रेट एंड लिबरल नेशन दैट इज इंडिया, दैट इज इंडिया विच हैज ऑलवेज अपहेल्ड एंड वैल्यूड द सेकुलर इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस दैट अकॉर्ड्स utmost importance to the universal brotherhood and the holy prophet who was sent to the entire humanity was an embodiment of this message. His life was a shining example of love, peace, compassion and highest order of virtue.